नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिला चरखी दादरी में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए शहर भर में साफ सफाई की जाएगी। वहीं इस दौरान बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार व पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के चेयरमैन संजय छपारिया, पूर्व विधायक सुखविंद्र मांडी के अलावा भी कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आइए जानते हैं स्वच्छता पखवाड़ा जमीनी सतह पर कितना कारगर सिद्ध होगा और जमीनी सतह पर क्या बदलाव आएंगे। ये हरियाणा सरकार ने 2 तारीख से 17 तारीख तक ये स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ किया है। आज नगर परिषद के परिसर से और बाजार में सफाई अभियान शुरू किया गया है। ये सरकार गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, मैं उनको श्रद्धांजलि, पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में, गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही ये सफाई अभियान शुरू किया गया है यहाँ सरकार की तरफ से। और ये संजय शर्मा जी जो अपने सफारिया जी चेयरमैन हैं नगर परिषद के, सुखविंद्र मांडी जी और सारे जो शहर के वरिष्ठ लोग थे उनके नेतृत्व में आज ये पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया है दादरी नगर। तो इस पखवाड़े के अंतर्गत क्या 17 तारीख तक ऐसे ही प्रतिदिन पूरे शहर भर में सफाई होती रहेगी? हाँ, ऐसे ही। दादरी तो वैसे भी स्वच्छ है, पूरे देश में 11वां स्थान सबसे दादरी शहर का आया है और केंद्र सरकार की तरफ से उनको इनाम भी मिला है दादरी शहर को, नगर परिषद को। धन्यवाद जी। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर के ऊपर आज यहाँ नगर परिषद कार्यालय में सब साथी एकत्रित हुए हैं। इसमें चेयरमैन भी, हमारे जिले के प्रधान भी, पूर्व प्रधान भी, और नगर परिषद के सभी मनोनीत सदस्य और सभी कर्मचारी जो नगर परिषद के मातहत यहाँ कार्य करते हैं। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर के ऊपर हम सब ने ये सेवा सप्ताह पखवाड़ा 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का बनाने का ये निश्चय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे हमने किया है और इसकी आज ये शुरुआत की हुई है। तो मैं सब साथियों की तरफ से पूरे देशवासियों को इस सेवा सप्ताह की और जो गांधी जयंती है, इस गांधी जयंती के ऊपर भी मेरा ये निवेदन पूरे देशवासियों के लिए है कि अपना जिस प्रकार की एक जिम्मेवारी के तहत महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन को निर्वहन किया, इसी प्रकार से हम भी छोटी से छोटी चीज़ों को और उनको आदर्श मानते हुए अपने क्षेत्र में सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, इस जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। परिषद चरखी दादरी ने एक पखवाड़ा सप्ताह की शुरुआत की है। दादरी नगर परिषद भी बधाई की पात्र है कि उत्तर क्षेत्र में जो प्रथम स्थान सफाई के मामले में हासिल किया है। इसके लिए मैं नगर परिषद के क्षेत्र के सभी अधिकारी, सफाई कर्मचारी, हमारे चेयरमैन और सबको, पार्षद सबको बधाई देता हूँ। नगरवासियों को भी बधाई देता हूँ कि वो भी सफाई के बारे में पूरा ध्यान कर रहे हैं। सर, जो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जो स्वच्छता पखवाड़ा का एक अभियान चलाया है, इसका जमीनी स्तर पर कितना असर रहेगा? इसका हिस्सा है कि हमारे यहाँ के सफाई जो योद्धा हैं, कर्मचारी हैं, उनकी एक इच्छा शक्ति है और साथ साथ नगर के लोगों की भी इच्छा शक्ति है कि हमारा नगर सुंदर हो। और इसके लिए जब दोनों पक्ष मिलकर लगेंगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसका उम्मीद है कि इसके बाद चरखी दादरी एक सुंदर शहर बनेगा। तो 17 तारीख के बाद अगर देखा जाएगा तो परिवर्तन देखे जाएंगे स्वच्छता के मामले में? हाँ, परिवर्तन जैसे कहीं कोई ढेर हैं कूड़े के हैं, या कहीं पानी भरता है, या कहीं सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचता है, वहाँ तक सब लोग पहुँच कर ये काम करेंगे इस अभियान के दौरान। जी धन्यवाद। समस्त देशवासियों को, प्रांतवासियों को, दादरी वासियों को बधाई देता हूँ गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। हरियाणा सरकार ने, देश की सरकार ने एक स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की है। हमारे देश का हर शहर, हर गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ऐसी योजना बनाई है। इसी कड़ी के अंदर हरियाणा सरकार ने, स्थानीय निकाय विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में
2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक हमारा विशेष अभियान चलेगा और इसी कड़ी को लेकर हम चरखी दादरी शहर में समस्त नगर पार्षदों के साथ, सब समस्त सफाई योद्धाओं के साथ, समस्त दादरी के निवासियों के साथ स्वच्छता पखवाड़े की आज हमने शुरुआत की है। पार्षदों ने मिलकर शहर के स्वच्छता की योजना बनाई और 2018 में हमने स्वच्छ सर्वेक्षण में, देश भर के स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं उसमें हिस्सा लिया और हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में 314वां रैंक आया। लगभग 3000 करीब शहरों ने हिस्सा लिया था, उसमें हमारा 314वीं रैंक आई पूरे देश में। उसके बाद 2019 में दादरी नगर परिषद ने फिर स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लिया, उसमें हमारी रैंकिंग घटते घटते 850वीं चली गई, लगभग 3400 शहरों ने हिस्सा लिया था। इस बार 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण में दादरी नगर परिषद के सफाई योद्धाओं ने मिलकर योजना बनाई, नगर पार्षदों ने मिलकर हमने एक योजना बनाई, इस बार हम स्वच्छ सर्वेक्षण में हिस्सा लेंगे और टॉप 10 में आने का प्रयास करेंगे। देश भर में हम सब ने योजना बनाकर काम शुरू किया, हमारे सफाई योद्धाओं, नगर पार्षदों और समस्त दादरी नगर निवासियों ने नगर परिषद का सहयोग किया और हमने देश भर में 11वां रैंक मिला और उत्तर भारत में हम 1 नंबर पर रहे, हरियाणा में भी 1 नंबर पर रहे और इसके लिए मैं पत्रकार छायाकार मित्रों को, दादरी निवासियों को, दादरी के समस्त पार्षदों का धन्यवाद भी करूंगा। आप सब लोगों के सहयोग आशीर्वाद से हमने देश भर में 11वां रैंक मिला, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको इसमें इनाम दिया और आगे हम ऐसी योजना बनाएंगे। अब हम देश में 11वें स्थान पर आए हैं, अगर हम सब मिलकर शहरवासी, पत्रकार, छायाकार और दादरी के समस्त पार्षद मिलकर, सब मिलकर काम करेंगे तो हम 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 5 में आने के प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है आप सब लोग सहयोग करेंगे, दादरी नगर निवासी सहयोग करेंगे और हमारा देश भर में टॉप 5 में नाम आने की, हम इसी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता पखवाड़ा हमारा ऐसे ही चलता रहे, दादरी शहर स्वच्छ, सुंदर और अलग विराट हमारी पहचान बने। सर एक बात और, जो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा नाम से आपने एक अभियान चलाया है, हाँ, साफ सफाई के लिए, हाँ, जमीनी स्तर पर कितना परिवर्तन रहेगा अब के हालातों में? ऐसा जमीनी स्तर पर पिछले साल का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उसमें आप लोगों ने, देश भर की टीम आती है स्वच्छता के लिए, पूरे शहर को अलग अलग स्थानों पे, वो अपने आप दिन में रात में, हमें कुछ पता नहीं होता कब आए वो, कब देख के चले गए, हमको तो रिजल्ट आता है तब पता चलता है। इससे पिछला आप लोग अनुभव ले लें और आगे भी हम सब ऐसे ही काम करेंगे और उम्मीद है कि टॉप 5 में आ जाए।